my money right. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to tell. Yeah, nuts for my gang. Give me just a stamp. हेलो गाइस, की हालत वाडा। आज हम बात करेंगे इंसान के रूप में छुपे एक अजीबो गरीब जानवर की, के जो खुद को एक फिल्म क्रिटिक, एक्टर और प्रोड्यूसर कहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया की शान चवलियों की दुकान कमाल आर खान। अद्भुत। ये इंसान जब पैदा हुआ तो उस दिन पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो गया। वैसे तो जनाब अपनी मूवी के रिव्यूज की वजह से काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन आजकल भाई साहब को एक नया शौक चढ़ा है और वो है कि दूसरों का तवा लगाएं। अरे भाई, जो काम हमारा है हमें करने दो, तुम अपना काम करो। लेकिन नहीं, टांग तो घुसानी है। और तो और, भाई साहब ने सीधा रोस्ट कर डाला कैरी मिनाटी को। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अबे पहले जाके अपने रिव्यूज पे काम कर ले। इसके रिव्यूज कम, किसी एशियन लैंग्वेज में कही हुई स्टोरी ज्यादा लगती है विद ओरिजिनल साउंड इफेक्ट्स। खैर, एक नजर KRK के रोस्ट पर डाल देते हैं। जी हाँ, ये अकेला इंसान खुद को लेजेंड समझता है और खुले में हंसता है। अभी कल ही की बात है, मैं कंटेंट ढूंढ रही थी कि सामने आ गई इसकी ये वीडियो, हाफ बिरयानी कैरी मिनाटी रिव्यू बाय KRK। अब मुझे लगा कि शायद कैरी ने कोई एक ऐसी आधी बिरयानी बनाई है कि जो कि सिर्फ इस कमाल साहब ने खाई है, लेकिन बाद में पता चला कि ससुरा ईट अ रोस्ट वीडियो है। तो चलो यार, मिलकर इसका रोस्ट देखते हैं। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज मैं रिव्यू करूंगा कैरी मिनाटी का। किसका रिव्यू चाचा? कैरी मिनाटी का। किसका? कैरी मिनाटी का। अरे चाचा, नाक से सांप निकाल के बात करो, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। यानी कि अजय नागर का। बेटा, नागर क्यों रखा है नाम तूने? सीधा नगर ही रख लेता। क्योंकि भैया उसका सरनेम नागर है, इसलिए तो नागर रखा है। ऐसे तो तुम्हारे नाम खान क्यों है? टिकटॉकर क्यों नहीं आगे? हाँ तो लुखे अजय, तूने बेटा ये अजय में एक ही जगह ई क्यों लगाया है? हाँ हाँ हाँ, ओ भाई जोक मारा, जोक। हंस लो। ये मार, मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। अबे बावले आदमी, उसके वन से लेके मैट्रिक तक के रिजल्ट कार्ड पर, आधार कार्ड पर यही स्पेलिंग है, तो इसमें क्या है भाई? हमने तो तुमसे कभी नहीं पूछा कि कमाल में डबल ए क्यों लगाया है। मतलब ई लगाने से तू बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। हाँ, और डबल ए लगाने से तो बंदा हॉलीवुड का टॉम क्रूज बन जाता है ना। जैसे इस वीडियो में बहुत माँ बहन होने वाली है, इसको लोगों की माँ बहन करने का बहुत शौक है, तो इसको आज मैं बताऊंगा कि बेटा सही तरीके से माँ बहन कैसे होती है। तो भैया इनसे ज्यादा और किसको मालूम होगा कि मदर सिस्टर कैसे करवाई जाती है? तब से यही तो करवा रहे हैं, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो बिग बॉस हो, या फिर कोई अवार्ड शो हो। तेरे बारे में वीडियो बनाना, तेरे बारे में कुछ कहना, तुझे पब्लिसिटी देना था, इसलिए मुझे तुझे पब्लिसिटी देनी नहीं थी। आप जो बोल रहे हो, आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, तेरे मम्मी सुन रही है। एक तरफ तेरा बेड पड़ा हुआ है जिसपे तू सोता है, एक तरफ एक कुर्सी पड़ी हुई है। हाँ तो भाई उसका कमरा है, वो बेड रखे, सोफा रखे, चेयर रखे, चूहा रखे, कुर्सी रखे, जो मर्जी रखे, तेरे को क्या है? और एक मिनट, उसके पास तो एक ही कुर्सी है जिसपे वो बैठ के वीडियो बनाता है। अब वो बीच में उठा के रखे या साइड पे रखे या किसी दरवाजे के बाहर रखे, इसमें तेरे को क्या है? मस्ती का रहे हैं। और चलता कैसा है तू? अभी बुढ़ऊ, चलने फिरने का तो तुम छोड़ ही दो। ज्यादा बेहतर तो हमारे यहाँ का अली हैदराबादी चल लेता है। और तो और, इसका रनिंग स्टाइल तो देखो, भागता ऐसे है जैसे किसी ने कंपास पे बिठा दियो जनाब को। मैंने शक्ल अपनी कभी देखी नहीं आईने में। लो जी, कह भी कौन रहा है जिसकी अपनी शक्ल ऐसी है जैसे गोभी के फूल पे चश्मा लगाया हो। यार मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है जो कि इसमें खुद में भी नहीं है। पहले से आराम है। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आप लोगों को इनकी जनता का प्यार दिखा देती हूं कि कितना प्यार मिला है जनाब को। पूरे 100 के लाइक्स, ओ मेरा मतलब है 100 के डिसलाइक्स। और ये बिना पूंछ का जानवर इतना बावला है कि जहाँ जहाँ बिस्सी हुई है उन कमेंट्स को लाइक करके बैठा हुआ है। बेसिकली गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि कैरी मूवी में आ रहा है, हालांकि उससे बेहतर एक्टर तो मैं हूँ। नहीं नहीं, चप्पल मत फेंको, ऐसा वो कह रहा है, मैं नहीं। तो आओ यार, आज इसकी मूवी का रिव्यू भी दे देते हैं। एक ऐसी मूवी बनाई गई जो इसके देश की गवर्नमेंट ने खुद ही बैन कर दी, एक्शन और थ्रिलर। ओ हो, चलो भाई देखे कौन सा एक्शन और कौन सा थ्रिलर है इसमें।
अपना ही इंट्रोडक्शन, वो भी अपनी ही तशरीफ के साथ। अबे साले, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और एक्टिंग जो कि है ही नहीं, वो भी इसी लेजेंड ने की है। हाँ भाई, जब पैसे ना हो तो खुद से ही काम चलाना पड़ता है। अब इसकी एंट्री पे ना एक्टिंग देख लेते हैं। अरे यार, बहुत तेरी, अरे यार बहुत तेरी। और मूवी की शुरुआत में ही ठरकपन शुरू। पसीने और नाक से लथपथ रुमाल गंदी जमीन से उठा के रेगिस्तान में सपने आ गए। ये तो धूम के अली से भी ज्यादा फास्ट है यार। अबे साले, और डांस डांस तो रहने ही दो भाई तुम लोग इसका। अरे बस भाई, धर्मेंद्र भी तुझसे ज्यादा अच्छा नाच लेता होगा, तू बस चला कर। अरे भैया, हाथों से तो तूफान ही बनाती है चाचा ने। अब इन चार लोगों का फायदा क्या हुआ, जब एक दो स्टेप्स ही सिखाने थे तो इससे ज्यादा बेहतर था खुद से ही डांस कर लेता। और अब मूवी के अंदर जनाब ढूंढ रहे हैं अपने दोस्त को, वो भी एक उद्भुत तरीके से। भाई साहब, आप शेखर को जानते हैं? किसी शेखर को नहीं जानता, कमाल है। अरे भाई साहब, आप शेखर को जानते हैं? ये वाहिद मूवी है जिसमें स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, कौन क्या बोल रहा है और क्या एक्शन कर रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई भाई ही आपस में लड़ने लगे तो फिर देश का क्या होगा? उससे ज्यादा प्यार तुम्हारे लिए हमारे सीने में है। मैं मुंबई में किसी का खून करने के लिए नहीं आया था। Wait a minute. अभी कह रहा था कि भाईचारे से रहते हैं और उन्हीं भाइयों को उठा के मार दिया। मैं वॉचमैन का काम नहीं करूंगा शेखर, ने मेहनत करके कॉलेज तक की पढ़ाई वॉचमैन बनने के लिए की थी। हाँ, वॉचमैन तो नहीं लेकिन फरूट जरूर बेच लूंगा मैं। मैं आपकी दुकान पे काम कर सकता हूँ। चल चल। और फाइनली ये मर गया। नहीं भाई, एक बात तो है, एडिटर को तकलीफ ना देने की सूरत में भैया ने एक्टिंग ही स्लो मोशन में कर दी कि एडिटिंग में दिक्कत ना हो। Nice. मूवी का फाइनली इख्तिताम, मुझे फांसी की सजा दिलवाई। तो बिगिनिंग क्या मतलब, ये बिगिनिंग है तो मतलब एंड क्या है भाई? और बिगिनिंग की स्पेलिंग तो देखो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतनी बड़ी मूवी और बिगिनिंग की स्पेलिंग भी गलत है। चल मेरा पुत्र, छोटी कार। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट डाउन करें कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो भाई वहां पर भी जाके फॉलो करें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।